हरियाणा विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। आज जेजेपी ने अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। पहली लिस्ट में देवेंद्र कादियां, अनूप थानक, राव रमेश पालरी, कमलेश सैनी, श्याम सुंदर और हाथिन सीट से हर्ष कुमार का नाम शामिल है। करनाल दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने करनाल को कई सौगातें देते हुए नगर निगम की योजना को हरी झंडी दिखाई। बैग बैंक और सुपर सकर मशीन को भी हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही लोगों से प्लास्टिक छोड़ने की अपील की गई ताकि शहर प्लास्टिक मुक्त बन सके। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सकारात्मक भूमिका नहीं निभाई। जेजेपी से पानीपत ग्रामीण से टिकट मिलने के बाद जेजेपी के कार्यकर्ताओं ने कादियान के आवास पर पहुंचकर उन्हें बधाई दी। कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए कादियान ने कहा कि जिस तरह से लिस्ट में उनका नाम पहले नंबर पर है, उसी तरह जनता के आशीर्वाद से इस सीट को भी वो पहले नंबर पर जीतकर दुष्यंत चौटाला की झोली में डालेंगे। फतेहाबाद में नशा विरोधी मुहिम के तहत अमरण अंचल पर बैठे परवीन काशी को दुष्यंत चौटाला समर्थन देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि जेजेपी की सरकार आने पर नशा तस्करी को लेकर और सख्त कानून बनाए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने बढ़ते नशे को लेकर सीएम मनोहर लाल को जिम्मेदार बताया। आर्थिक मंदी के चलते औद्योगिक क्षेत्र में कर्मचारियों की छटनी जारी है। रेवाड़ी के बावल स्थित नैरोलैक पेंट्स कंपनी ने 400 से ज्यादा कर्मचारियों को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। विरोध में सभी कर्मचारी कंपनी गेट के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें बगैर नोटिस बाहर का रास्ता दिखाया गया। जेजेपी जिला अध्यक्ष हरपाल कंबोज ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। हरपाल कंबोज ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि ये पार्टी है जिसे दिन में सपने देखने की आदत है। 75 बार का नारा बीजेपी का अहंकार है। अब इन्हें असली जवाब जनता ही देगी। टोहाना विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता देवेंद्र सिंह बबली ने रोड शो निकाला, जिसमें भारी तादाद में उनके समर्थक बाइक और गाड़ियां लेकर शामिल हुए। फतेहपुरी में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें जी जान से समर्थन देने का भरोसा दिया। रोड शो से उत्साहित उन्होंने कहा कि हमारी सेवा के कारण ही जनता हमारे साथ है। नरवाना के केएम कॉलेज में एमए कक्षा के छात्रों पर माइग्रेशन के नाम पर लगे जुर्माने के विरोध में छात्रों का छठे दिन भी कक्षाओं का बहिष्कार जारी रहा। इस बीच कॉलेज प्रशासन द्वारा छात्रों से बातचीत करके धरना समाप्त करने की कोशिशें भी हालांकि जारी रही। छात्रों ने ऐलान किया है कि अगर कॉलेज जुर्माने के नाम पर वसूली गई रकम वापस नहीं करता है तो छात्र सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शनों के साथ भूख हड़ताल करने को मजबूर हो जाएंगे। जहां देश में चारों तरफ चालान कटने के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं सोनीपत पुलिस ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। थाना प्रभारी ने बताया कि गुलाब का फूल इसलिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सके और वो यातायात के नियमों का पालन करें। सोनीपत सिटी थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। 7 सितंबर को आपको बता दें, संचित नाम के एक शराब व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र उर्फ काला ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।